आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करते हैं तो कि वो चाहते हैं कि जांच होगी तब तो हम पकड़े जाएंगे, जांच नहीं हो इसके लिए कोशिश करते हैं। भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई लूटा नहीं, आपने कहीं कोई इलीगल तरीके से आपने धन को इकट्ठा नहीं किया है तो फिर आप डरते किस बात की? जो भी जांच आपसे लोग मांगते हैं आप दे दीजिए, जांच हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने आपने प्रॉपर्टी खड़ा किया उसका रिसोर्स आप बता दीजिए, आपने कहां कहां से इतनी पैसे लाए और इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने खड़ा किया। तो ये जो स्थिति है इनकी वो किसी से, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो एकदम बड़ी जिसको कह सकते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने पूरे राज्य में और झारखंड में, तो आपको मुझे लगता है कि रांची में बहुत सारे ऐसे ही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब जांच, और इसीलिए वो जांच से वो भागते हैं, जांच से डरते हैं, और जांच ना हो इसके लिए डराने के भी काम करते हैं। पिछले दिनों जो वक्तव्य जिस प्रकार से वो देते थे तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आप इन 10-12 वर्षों में आप देखिए तो हम नहीं समझते हैं कि कोई और आदिवासियों ने इतनी दौलत इकट्ठा किया हो या उनके पास होगी। भाई ये तो अपने आप में क्या इसको कहेंगे, यानी आप तो सोरेन परिवार को क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लेना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी वर्षों में इन्होंने अर्जित किया। अब यहां देखिए झारखंड में क्या स्थिति है। आज बहुत से ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिसके पास जमीन नहीं है और जमीन के अभाव में उनके लिए प्रधानमंत्री आवास तक नहीं बनता है। उनके लिए सरकार ने कहीं कोई 2 कट्ठे भी जमीन बंदोबस्त नहीं कर देते हैं, बल्कि अगर कोई घर मजूर हुआ जमीन में भी किसी प्रकार से लोग खड़ा है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला करके। यहाँ तो अपनी भी जमीन में वर्षों से लोग खड़े थे, जैसे कुछ दिन पहले हम HEC गए थे स्मार्ट सिटी में, वहां भी बुलडोजर चला करके लोगों के घरों को तोड़ दिया। तो भाई जिसके पास इतनी दौलत है और किसी के पास क्या बोलते हैं जमीन नहीं है, छोटी सी अपनी घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन नहीं, बल्कि जो झोपड़ी था उसको भी उजाड़ दे रहे, और दूसरी तरफ शिव सोरेन, हेमंत सोरेन या इस परिवार के पास 108 ऐसे जो प्रॉपर्टीज है। अब देखें जो इनकम टैक्स और CBI ने जो मेरे जानकारी में आई है जो रिपोर्ट उन लोगों ने जो सबमिट किया है, तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है, लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से। और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना पूरा परिवार की जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीज़ों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जब से ये लोग पावर में आए हैं। जैसे पहले शिबू सोरेन कोयला मंत्री भी थे, उस वक्त की भी कहानी है, कभी हेमंत सोरेन डिप्टी CM बने, कभी CM बने, फिर आज CM बने। तो ये लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का ही काम किया है पूरी तरह से। और इतना ही नहीं, इन लोगों के नाम से एक तो मैंने
जैसा हम पहले ही बताए कि अनडिक्लेयर काफी प्रॉपर्टीज है ये लोगों के सभी के नाम से, जिन लोगों ने चाहे सिबू सोरेन। तो भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा रहे थे और संपत्ति को लेकर लगातार आरोप लगा रहे थे कि कुछ संपत्ति अर्जित की गई है।